सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क इटर्नल का। तो गाइस, आर्क इटर्नल के पिछले एपिसोड में हमारे सारे के सारे प्लान जो है ना गाइस, यहाँ पे फ्लॉप हो गए थे। और हमको जो है ना फाइनली यहाँ पे ये भाई इवो कॉम्पी जो है ना भाई वो टेम करना पड़े था। लेकिन गाइस, आज के एपिसोड में जो ना भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे भाई क्या करेगा वो भाई मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे को एक चीज बना दो भाई, मेरे को थोड़ी प्यास लग चुकी है भाई, रुक जाओ, ये पोषण बढ़ा दो भाई, ठीक है? ले बेचे। तो गाइस, आज जो है ना गाइस, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अपने जो वाइब्रन आर्मी है ना वो टेम कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने वाइब्रन है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है? रुक जाओ, मेरे पास टोटल जो है ना भाई यहाँ पे भाई फिलहाल के लिए दो ही वाइवरन भाई, ठीक है? और कोई भी वाइवरन जो है ना भाई मेरे पास है नहीं भाई, ये तो ड्रैगन आर्मी है ना अपने। हाँ भाई, ड्रैगन आर्मी। वैसे ड्रैगन आर्मी के लिए जो नाम आए थे वो अगले एपिसोड में अपन देने वाले, टेंशन न को लेना। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास जो है ना भाई एक तो ये हमारा एक खतरनाक सा अल्फा वाइवरन जिसको स्केलेटन वाले हमने स्किन पहनाई है। उसके बाद हमारा शेप शिफ्टर जो है ना भाई वो है, जो कि है भाई हमारा गधे ज्यादा वाला भाई डिवाइन वाइवरन भाई, ठीक है? प्राइम डिवाइन वाइवरन। तो ये दो वाइवरन जो है ना वो फिलहाल के लिए अपने पास है। तो मैंने सोचा क्यों ना गाइस, आज के एपिसोड में जो है ना भाई हम हमारी वाइवरन की जो टोली है ना भाई वो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट कर ही लेते। तो इनके लिए जो भी भाई वाइवरन यहाँ पे कम पड़ रहे, नॉर्मल वाले अपन कोई भी वाइवरन यहाँ पे टेम नहीं करने वाले फिलहाल के लिए, क्योंकि उनके अंडे बिंडे भाई हंट करके भाई हैच बीच करना पड़ेगा, वो भाई एकदम भाई बहुत ज्यादा झंझट वाला काम हो जाएगा। इसलिए भाई वो वाला अपन काम आज नहीं करने वाले। अपन जो है ना भाई जो आर्क इटर्नल वाले वाइवरन होते हैं ना, उन सारे के सारे वाइवरन का आज के एपिसोड में टेम करने वाले। लेकिन आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बनते होंगे यार चैनल पे, जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके 136,000 सब्सक्राइबर का गोल जल्दी से कंप्लीट कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेमिंग विद आनी के चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उनके चैनल पे भी 60,000 बहुत ज्यादा जल्दी होने वाले। तो कर दो ना यार, कहाँ है ये तुमको इंतजार, सब्सक्राइब कर दो ना, जल्दी से कर दो यार, ठीक है? चलो, तो गाइस यहां पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस वाले आर्क इटर्नल में जो ना कौन कौन से वाइवरन है। करप्टेड वाइवरन जो कि नॉट टेमेबल होता है, इटर्नल अल्फा वाइवरन अपने पास है, इंडोमैक्स डोडो वाइवरन अपन टेम नहीं करने वाले, फायर वाइवरन नहीं चाहिए, लाइटनिंग वाइवरन नहीं चाहिए, पॉइजन वाइवरन भी नहीं चाहिए, प्राइम डिवाइन वाइवरन मेरे पास है। तो क्या प्राइम वाइवरन टेम करूं क्या बस? ए नहीं 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 नहीं, ए ऐसा ऐसा नहीं होगा भाई, ये तो चीटिंग है भाई। क्या कैसे कैसे भाई, मेरे को तो पूरे भाई 10-12-20-30 भाई वाइवरन टेम करने मेरे को, ये क्या बात हुई भाई? चा ओके ठीक है, रुक जाओ, एक काम करता भाई। चलो गाइस, खतरों के खिलाड़ी बनना ही पड़ेगा तुम्हारे भाई को। वैसे तुम्हारे भाई ने सोचा नहीं था कि खतरों का खिलाड़ी यहाँ पे बनेगा, लेकिन बनना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे भाई ऐसा क्या करने वाला है? तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो है ना मैक्सिमम सारे वाइब्रेंट्स है भाई, ठीक है? और वाइब्रेंट जो है ना नॉर्मल वाइब्रेंट वो जो है ना भाई उसको भी अपन करप्टेड कर सकते हैं, उसका कोई सीन नहीं है। लेकिन उसके लिए जो है ना मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है क्या गाइस? मेरे को जो है ना भाई यहाँ पे वाइब्रेंट के अंडों को चुराना पड़ेगा। तो मतलब आज तो अपन एक वाइब्रेंट तो टेम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ जो है ना भाई यहाँ पे एक हंटिंग भी करने के लिए निकलेंगे भाई, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो भाई यहाँ पे एक वाइब्रेंट है ना 4027 पे, वैसे 4027 आई थिंक ग्रिफिन वैली है ना भाई? हाँ भाई ग्रिफिन वैली है भाई। 4027 बोले तो 27 बोले तो 4027 बाप रे, तो भाई बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। मैं उड़ उड़ के जा क्यों जा रहा हूँ? मेरे पास कोई पास नहीं है क्या डायनो? मेरे पास ये है क्या गाचा? ये मैंने क्रिस्टल वाला गाचा टेम नहीं करा भाई, अबे उड़ उड़ के टाइम लग जाएगा। मेरे पास क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तेज चलती है? कौवा। अरे रुक जा रुक जा, कौवे को लेके चलता भाई, आपको पता है ना कौवा कौन है भाई? ये कौवा हमारा ये है भाई, हाँ स्नोवुल है भाई, आ जा भाई। स्नोवुल है ना? नहीं आरजी है। अबे आरजी है बे, मेरे को लगा स्नोवुल करके भाई, ठीक है कोई ना, चलो ये अपन को पहुँचा देगा 4027 पे भाई, ठीक है? रुक जाओ, ओके ठीक है, इस तरफ जाना है मेरे को, मेरे को बर्फ की पहाड़ी के एज पे जाना है। और वहाँ पे जो ना गाइस अपन को मिल जाएगा अपना खतरनाक सा शिकार भाई, जिसका हमको इंतजार है भाई, ठीक है? ये अबे वुल्फ आर्मी टेम नहीं करी मैंने यार, चाहो मैं यहाँ से आ गया, अगले एपिसोड में वुल्फ आर्मी टेम भाई, ठीक है? वुल्फ आर्मी टेम भाई, किया क्या भाई? अबे 32 पे क्यों जा रहा मैं? 38 अबे कहाँ पे जाना है? 40 पे जाना है क्या? 2740 अबे मेरे को तो इधर जाना था, मैं कहीं और ही जा रहा था। हाँ मेरे को इधर जाना था, 2740 37 पे आ गया क्या मैं? 37 ओके ठीक है ठीक है, मेरे को इधर जाना है भाई, 2740 भाई, ठीक है?
ओके, पहले तो 40 पहुंच जाऊँ, उसके बाद 27 भी पहुंच जाऊंगा। भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गोरिल्लास नहीं घूम रहे गाइस? ठीक है, मैं 40 पे पहुंच चुका हूँ अभी जो है ना भाई। 34, अबे 40 इधर, 40 इधर, अबे भेज क्या की लोकेशन एक आप है, 40 27 पे जाना है क्या? अब ऐसा बोलना भेज क्या, फिर मैं तो सही जा रहा था। 40 27 37 पे पहुंच गया मैं, 38 पे पहुंच गया। ठीक है, 40 37 पे जाना है मेरे को, 38 37। अबे चल क्या रहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, भाई रुक जाओ। 40 यहाँ पे एंड 20, ओके समझ में आ गया, मेरे को ग्रिफिन वैली में जाना है भाई। ठीक है चलो आ जाओ, अभी सही जा रहा हूँ भाई। ये मैप पढ़ना जो है ना कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है भाई, ये मैप के साथ साथ जब आप स्पाई ग्लास भी यूज़ करते हो ना थोड़ा सा इशू हो जाता है। अभी सही जा रहा हूँ भाई। ठीक है यहाँ पे जो है ना भाई, ये देख रहे हो बड़ा सा पत्थर, इसके नीचे पीछे कहीं पे मिल जाएगा मेरे को भाई। ठीक है उसके बाद अपन जेली स्टार निकालेंगे, उसको टेम करेंगे और भाई विदाउट एनी डायनो की यूज करें, मतलब किसी भी डायनो को यूज ना करके जो है ना भाई अपन यहाँ पे भाई एक हंटिंग करेंगे भाई, वो भी सबसे ज्यादा खतरनाक वाली केव में जाके भाई। ठीक है डरते है क्या, गॉड आर्मर है अपने पास भाई। ठीक है ओके ठीक है सही है 27 ओके। अबे जाना रे, काय को चुल मच रे, इसको इसकी आख्या रे, क्या 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 ए, इसको जलवा दिखा अपना। अबे तू जलवा ही नहीं दिखा सकता, भूल गया मैं बेटा, तेरे से ना हो पाएगा रेंदे भाई। अबे भाई हेलो, अबे जा रे तू भैंस के आगे उंगली कर रहा है खामो का भाई। 40 27 आप बता कौन सा 40 27 पे तो आ गया, मेरे को क्या ढूंढना था यहाँ पे, डिवाइन वाइब्रन आई थिंक, डिवाइन वाइब्रन भाई। आज तो भाई पूरा दिमाग का दही हो रहा भाई, ऊपर से इरिटेट करने के लिए आ गया भाई ड्रैगन डिवाइन वाइब्रन। वेट अ मिनट, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि ये लोकेशन वाला डिवाइन वाइब्रन मर चुका है गाइस। ठीक है मेरे को दूसरे लोकेशन पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को जो है ना भाई ये फेस क्यों किया, ये दिमाग खा रहा है सच में भाई, इसे इरिटेट कर रहा है। सबसे पहले मेरे को एक ग्रिफिन टेम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसे उड़ उड़ के जाने में भाई बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है गाइस। यू नो दैट इज द प्रॉब्लम इज द गाइस। ठीक है हमको चाहिए भाई यहाँ पे वाइब्रन डिवाइन प्राइम वाइब्रन, एक्चुअली में डिवाइन नहीं प्राइम वाइब्रन। अभी वो मर गया, मैं क्या बोला था गाइस 26, अबे तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा भाई, नज़दीक नहीं है क्या 26, यही है 540 लेवल का भी चल जाएगा, थोड़ा सा नज़दीक चाहिए यार 1952 26 36 520 लेवल भी चल जाएगा कहाँ पर 26 36 ना 26 36 पे जाना है गाइस अपन को। ठीक है चलो आ जाओ, इस बार जो ना भाई स्नो आउल को लेके चलते, आ जाओ। ये दिमाग का दही कर रहे हैं भाई, आउल है क्या स्नो आउल, हाँ भाई एक्स भी आउल ना, आ जा लोंडे चल, इसकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ा लेता हूँ, कस करके पहुँच जाएंगे भाई। ठीक है अबे यार इसको आउल का सैडल पहनाना पड़ेगा जो मेरे इन्वेंटरी में है। व्हाट द, वाह बेटे वाह, मेरे इन्वेंटरी में आउल का सैडल ही नहीं है, ले बेटे बन जाएगा भाई। अबे यार बन जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा, वो नीचे बनेगा भाई, किसी एक एक्स बी आउल पे जो ना सैडल मैंने लगा के रखा है। ठीक है बेटे मिनट, हाँ इसके ऊपर है भाई। ठीक है आ जाओ, चलो गाइस लेट्स गो 26 36 भाई। ठीक है ज़्यादा दूर नहीं है भाई 26 36, ये पहले बंद कर ले, ये बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ है भाई। 26 यहाँ पे 36 भाई पहुँच गए, बस से क्या बनता है। अबे यार ये मैप नीचे छोड़, मैप छोड़ दे, चलो लेट्स गो, पहुँच गए भाई, एक सेकंड का काम तो है। 26 36 भाई, ये देखो इसे बोलते हैं स्पीड भाई। ठीक है इसे बोलते हैं स्पीड भाई, गोरा वाइब्रन वहाँ पे भाई 26 36 भाई। ठीक है ले बेटे 26 इधर है ना, हाँ भाई ठीक है चल चल आराम से भाई आराम से, एक काम कर ले भाई अपना वो वाला एबिलिटी चल। ओ ये रहा क्या प्राइम वाइब्रन, ये जल्दी। अबे यार बाहर निकल जा, हाँ भाई ऑलराइट, जल्दी भाई चल भाई यहाँ से एक काम कर लेता गाइस, मैं जो है ना भाई काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हूँ वाइब्रन वैली के, तो सीधा जो है ना अपन गाइस वाइब्रन वैली में निकल लेते, क्या बोलती पब्लिक, सीधा वाइब्रन वैली चलते हैं ना। लग जा गले से के, अबे इसको लगा ही नहीं भाई, लग जा गले से के, लग जा गले, अबे भाई लो ये मरना चाहिए इसलिए मैं ज्यादा मार नहीं रहा इसको, आज अपना किस्मत इतना ज्यादा खराब क्यों चल रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई सच में भाई।
भाई मैं जेलीफिश को भाई यूज ही नहीं करेगा, भाड़ में जाए भाई। भाई इसकी आकर खा गई भाई, सीधा वाइब्रन को खा गई यार। अबे जाओ रे, रुक जाओ गाइस, मेरे को एक और वाइब्रन ढूंढने दो, प्राइम वाइब्रन ना, उसके बाद आपसे मिलते हैं। रुक जाओ भाई इसकी आंख। 6.5 hours later रुक जाओ गाइस, अभी जो है ना भाई इसको यहाँ पे टेम करने की मैं कोशिश करता गाइस। ये भी बस मरना जाए भाई, ये थोड़ा सा लो लेवल का है, 500 level का ही है भाई, ठीक है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके ऊपर मेरी लाइटनिंग वर्क नहीं कर रही है गाइज, मेरे को ऐसा बहुत ज्यादा जोर से लग रहा भाई। अबे यार इसके ऊपर मेरी लाइटनिंग वर्क ही नहीं कर रही है, सच में भाई इसके ऊपर मेरी लाइटनिंग वर्क नहीं कर रही है। आर यू कॉमेडी मी? रुक जाओ भाई, अगर लाइटनिंग नहीं वर्क कर रही है भाई, ये कौन सा है भाई, जेली स्टार ही निकाल रहा हूँ ना मैं गलत जेली पिच निकाल रहा क्या? नहीं यही है, ये अगर किसी के नज़दीक चली जाती है तो उसको टॉर्पर चढ़ना शुरू हो जाता है ना। हाँ उसको टॉर्पर चढ़ना तो शुरू हो जाता है भाई बड़े आराम से, फिर इसको क्यों नहीं हो रहा? वेट अ मिनट गाइस, इसी के रुक जाओ, इसके आजू बाजू अपन घूमते रहेंगे, इसको टॉर्पर चढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके बाद प्राइम कैन ओनली बी नॉकआउट बाय अल्फा और प्राइम एलिमेंटल डायनोस। प्राइम ही है ना तू भाई? प्राइम, हाँ प्राइम 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 डायनो ही है भाई, प्राइम डायनो है भाई। बेहोशी क्या सर? ओके इसको प्राइम एलिमेंटल डायनो मोस्ट हैव इवोल्यूशन ऑन स्पॉन ऑन डेथ ऑफ, ठीक है भाई। ना ना गाइस ना, इसके ऊपर जो है ना भाई मेरी लाइटनिंग वर्क नहीं कर रही है, मेरी लाइटनिंग जो है ना गाइस इसके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। शाबाश भाई, तो इसको नॉकआउट करने के लिए जो है ना भाई मेरे को यहाँ पे अभी मेरी गन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं अपने पास, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, मेरे को नहीं लग रहा कि आज जो है ना भाई अपन एक हंटिंग कर पाएंगे, लेकिन मे भी अगले एपिसोड में जो ना भाई एक हंटिंग भी कर लेंगे और एग्स को जो है ना भाई यहाँ पे अपन हैच भी कर लेंगे गाइस, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं भाई, एक हंटिंग प्लस एक हैचिंग भी कर लेंगे अपन। अभी जो ना भाई मेरे को यहाँ पे फटाक से निकालने दो भाई एग्स भी आउल भाई, ठीक है। यही है ना जिसके ऊपर सैडल था, मे भी यही हो जिसके ऊपर सैडल था भाई अपना, ये नहीं है भाई जिसके ऊपर सैडल था। ऑल राइट, उसको ज़्यादा कुछ अपन को टॉर्पर नहीं देना है भाई, थोड़ा सा टॉर्पर दे देना भाई, ठीक है अपना काम हो जाएगा। हेलो कौन आ रहा है भाई? गॉड आर्मर है अपने पास, डरते हैं क्या? बैठ जा। अब इसके ऊपर से जो है ना मैं यहाँ पे जो है ना भाई गन भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसके पास एक एबिलिटी भी है। अबे यार ये तो FPP चला जा रहा, कहाँ पे चला गया वो? हेलो सर वेयर आर यू? अबे यार डिस्पॉन ना हो भाई, इतने मुश्किल से तो एक मिला था। हाँ ये रहा भाई, ये रहा वो भाई तेरे साथ जो घूम रहा था, वो कहाँ पे चला गया? इसने मार दिया लग रहा, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि इसने पेड़ डाला भाई उसको। ठीक है भाई और ढूंढ लो भाई, मैं जा रहा गाइस, मैं अंडे चुरा के ला रहा भाई ये वायरस को टेम करना भाई दिमाग का दही हो रहा है भाई मैं अंडे चुरा के ला रहा हूँ। चलो गाइस चलो अगले एपिसोड में सारे के सारे अंडे उसका हैच कर लेंगे भाई, ठीक है। बस भाई काम खत्म भाई, ये पानी में भी ये कर सकता है, ये पानी के अंदर भी ये कर सकता है, जा सकता है क्या? लग तो ऐसे रहा है। चलो गाइस सारे के सारे अंडे चुरा के लेके आएंगे भाई, बहुत हो गया भाई आज पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे जो ना भाई उतने अच्छे से अपनी टीमिंग ही नहीं हो रही ले रे बाबा, ठीक है अपनी टीमिंग उतने अच्छे से हो ही नहीं रही है भाई। बाय बाय भाई, ले भाई पता चला मेरा एक्स भी आउल भी यहाँ पे मारा गया भाई। ए भाई तेरी एबिलिटी चालू कर ले बाबा, ये कंट्रोल पे था क्या इसका लाइट नहीं? ओके एबिलिटी चालू कर ले, हाँ भाई ठीक चल भाई। चलो गाइस वाइब्रन वैली में चलते, जितने भी अंडे मिलेंगे ना एक एक अंडा उठा के लेके आएगा मैं, एक एक अंडा भाई, ठीक है एक एक अंडा भाई। एबिलिटी बंद कर दे, बहुत ज़्यादा डट्टी लग रहा है भाई, ठीक है चलो भाई लोग। और प्लस अपन जो है ना दोनों वाइब्रन वैली में जा रहे गाइस, ठीक है। वैसे मैं टेम करने के लिए कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी गाइस, इसलिए मैं टेम नहीं कर रहा गाइस, ठीक है। उसको टेम करने के लिए जो है ना भाई सबसे पहले मेरे को एक ग्रिफिन टेम करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। रुक जाओ गाइस, अगले एपिसोड में कोई ना कोई ग्रिफिन जो है ना वो टेम कर लेंगे। ये वही है जिसका मेरे को था इंतजार, प्राइम वाइब्रन ही है बे। रुक जाओ, अगर यहाँ पे मिल ही रहा है तो नेकी और पूछ बेच के। अबे यार हट, मैं ये भूल गया गाइस कि यहाँ पे जो है ना भाई एक इश्यू है, पता है? मैं जो है ना भाई ट्रैंक वाली गन नहीं लेके आया हूँ, मैं जो है ना बॉस को मारने के बाद जो इनफ्लेम वाली गन मिलती है ना भाई वो लेके आया हूँ, ठीक है। तो उसके कारण भाई काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, तो मेरे पास फिलहाल के लिए इसको नॉकआउट करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम कर सकता हूँ, मैं घर पे चला जा सकता हूँ, रुक जाओ घर से जो ना भाई ट्रैंक वाली गन में वापस से लेके आ सकता हूँ। रुकेगा भाई, रुक जा भाई, मेरा माइंड जो है ना थोड़े टाइम में ऐसा भाई चेंज हो रहा है भाई। वैसे ये भाई हमारा आउल जो था ना वो भी टॉरपोर देने का काम कर रहा था, लेकिन उसका टॉरपोर जो है ना वो चढ़ने में 400 साल लग जाएंगे, इसलिए जो ना भाई हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे अपनी गन को भाई, ठीक है। रुक जाओ वेट अ मिनट,
वेट अ मिनट, मेरे को जो ना मेरी ट्रैंक वाली गन जो है ना वापस से लेके आने दो भाई। मैंने आई थिंक इसके अंदर डाली होगी। इसका नाम क्या है, टेक राइफल, टेक ना टेक राइफल। वेट अ मिनट, कहाँ पे वो, ये क्या इसमें थे क्या? हाँ भाई इसमें एलिमेंटल टेक राइफल ना, हाँ यही आई थिंक इसी के अंदर है ना भाई। अपने 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 वो डार्ट है ना भाई तेरे अंदर, अबे हाथ में ले ले। हाँ यस 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 यस, हो गया गाइस, हो गया हो गया, काम 25 हो गया। चलो आ जाओ आ जाओ भाई, स्नो आउल भी टॉर्पर देगा उसको, उसके बाद जो है ना गाइस अपनी गन भी टॉर्पर देगी। आ जाओ भाई, एक वाइब्रेंट को टेम करने में जिंदगी में इतना मेरे को टाइम नहीं लगा भाई, ठीक है। वो अलग बात थी कि अपनी भाई जेली फिश उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाई, इसके कारण वो टेम नहीं हुआ भाई, ठीक है, वरना पहले ही टेम हो जाता भाई। आ जा रहे भाग बेस, क्या लाड़ में आ रहा क्या? अरे आ जा रहे आ जा रहे आ जा रहे माही, रुक जाओ भाई, आ जा रहे माही। ये कहाँ पे चला गया? हेलो वद, अबे भैंस क्या कूदना था तेरे को, वो यहाँ पे कहीं पे चला गया था ना उसको फॉलो करते करते। अबे यार ये तो भाई सब मुंबई दर्शन पे चला गया पूरा। ए भाई इधर आ इधर आ इधर आ, बैठ गया बैठ गया बैठ गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ले 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 ले, ये खा ले खा ले, ट्रैंक खा ले ट्रैंक खा ले, हो गया भाई हो गया समझ लो। अबे यार बर्फ में थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ में जो ना पिछली बार मेरा गेम क्रैश हुआ था भाई, और इसी लोकेशन पे हुआ था भाई, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो ऑब्जेक्ट है जिसके कारण गेम क्रैश हो रहा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा बेटा तू लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, हम पोषण खाते रहेंगे भाई, ठीक है। 2 मिलियन लगभग इसको टॉर पर चढ़ चुका है गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारी गोली भी लग रही है, प्लस ये जो हमारा भाई आउल है ना वो भी टॉर पर दे रहा है, वो अलग है भाई, ठीक है। ले बेचे ले बेचे ले बेचे ले बेचे, कहीं पे भी जा, लेकिन जहाँ पे मेरा गेम क्रैश हुआ था ना उस लोकेशन पे मत जा भाई, ठीक है। ले बेचे ऑलराइट, भग रहा है क्या ये? स्टिल भग नहीं रहा, स्टिल ही मार रहा है। हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर, मतलब भाई टॉरपोर चढ़ के बेहोश हो गया फिर भी मारना नहीं छूट रहा था भाई। हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, है लाड़ में आ रहा था, ठीक है। चलो गाइस फाइनली, हे भगवान भाई मैं तो थक गया भाई साहब, भाई एक वाइब्रन को टेम करने में 400 साल लग गए मेरे को, लेकिन चलो कोई ना गाइस फाइनली हो गया भाई, हमारा प्राइम वाला जो वाइब्रन सर जी है ना भाई फाइनली टेम हो गए, और हमारे फैमिली में फाइनली गाइस यहाँ पे 3 वाइब्रन आ चुके हैं। वैसे आज जो ना गाइस मेरे को अंडे भी चुराने थे, लेकिन अभी भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है भाई, ये भाई थका देने वाले एपिसोड के बाद भाई, ठीक है। इधर उधर टाइम पास ही हुआ है भाई अपना, ऊपर से भाई 2-3 वाइब्रन तो अपने ऐसे ही मर गए भाई, ठीक है। इसके कारण जो ना एक हंटिंग जो है ना भाई अपन अगले एपिसोड में करके अपनी जो वाइब्रन की आर्मी है ना अपन अगले एपिसोड में ही टेम कर लेंगे गाइस, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लेने का भाई, हो जाएगा, योगा से ही होगा। फिलहाल के लिए गाइस आज जो भाई 3 वाइब्रन टेम करें ना, सबसे पहले इनको देख लो भाई, ठीक है। वैसे प्राइम वाइब्रन जो है ना भाई सेम टू सेम हमारी डिवाइन वाइब्रन की तरह दिखता है, लेकिन प्राइम वाइब्रन के इसके पास भी एबिलिटी है क्या? वाइब्रन का सैडल है ना मेरे पास, ले व्हाट द, वेट अ मिनट, इसके पास एबिलिटी नहीं है गाइज, ये डायरेक्टली खुद इवॉल्व हो सकता है फायर वाइब्रन में, पॉइजन वाइब्रन में, लाइटनिंग वाइब्रन में, फ्रॉस्ट वाइब्रन क्या होता है बे, या फिर इटर्नल आइस वाइब्रन में, और इसके लिए क्या चाहिए, फालतू सी चीजें। अबे अगले एपिसोड में समझ लो ये टेम हो भाई, टेम ने इवॉल्व हो गया, और मैं इसको जो ना भाई यहाँ पे बना डालूंगा इटर्नल आइस वाइब्रन सीधा भाई, सीधा इटर्नल आइस वाइब्रन बनाने वाले गए अपन इसको भाई। क्या खतरनाक वाइब्रन टेम करा है, मेरे को लगा ये अंडू पांडू वाइब्रन है बे, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक वाइब्रन निकल गया सच में गाइस, मेरे को लगा था ये ऐसे वाइब्रन होगा, क्योंकि भाई इसको मारने के बाद जो ना वो छुटकू देख रहे हो, वो छोटा सा शेप शिफ्टर जिसका हमने नाम रखा है वो मिल जाता है, तो मेरे को लगा था इसमें क्या होगा इसे खास भाई, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये वाइब्रन जो है ना भाई इवॉल्व हो सकता है। देखो इसके सामने छुटकू कितना छोटा लग रहा है यार, लेकिन खतरनाक है यार, ये इवॉल्व होने वाला वाइब्रन है और ये इवॉल्व नहीं हो सकता भाई, काफी खतरनाक। तो गाइस अगले एपिसोड में जो ना भाई इस वाइब्रन की जो ना डैमेज दिखाने के बाद जो ना भाई इसको इवॉल्व करने का काम तुम्हारा भाई यहाँ पे करने वाला है। वैसे इवॉल्व शेप शिफ्टर में इस वाइब्रन में करने के लिए है क्या इसके पास सामान, मटेरियल सारा है? आई थिंक मटेरियल नहीं है ना अपने पास, कोई तो मटेरियल कम पड़ रहा है, पता नहीं क्या कम पड़ रहा है। इटर्नल लिंडोमेस टोकन, अबे टोकन तो ये ले 24 मेरे पास पड़े हैं, हो गया। हाँ भाई सारा मटेरियल हो गया भाई, ठीक है डन 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 डन। अगले एपिसोड में इटर्नल आइस वाइब्रन या फिर फ्रॉस्ट वाइब्रन,
इसमें से कोई एक वाइब्रेंट में ये कन्वर्ट होने वाला है भाई, ठीक है। तो गाइस आज का जो एपिसोड है ना भाई, वो पता है काफी ज्यादा लंबा रहा और बीच बीच में थोड़ा बोर भी, मैं खुद बोर हो गया था भाई इसके, भाई किधर जाऊं करके। लेकिन कोई ना, अगले एपिसोड में एक अलग सा वाइब्रेंट अपन को देखने को मिलने वाला है, जो मैंने भी नहीं देखा है अभी तक गाइस, ठीक है। तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आज का एपिसोड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना मेरे बच्चे लोग। तो मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल वुल्फ के, आर्क इटर्नल के। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.